नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो एक्चुअल में आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत अजीब टाइप से है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत चमकदार नहीं है। ठीक है, इसका रीज़न यह है कि मेरा थोड़ा कंप्यूटर भी बहुत सही नहीं है, तो मैंने दूसरा जो कंप्यूटर उस पर काम किया उस पर थोड़ा बहुत तैयार कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी वीडियो आप देखने में न लगे। ठीक है, और ये आप इसकी ज़्यादा चिंता नहीं कीजिएगा, आप कंटेंट पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, पिक्चर देखिए आप, ट्रेलर पर ध्यान दे दीजिए, सीधी सी बात यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये समय आपको मिल गया है, आप इसका उपयोग कीजिए। ठीक है, और सोर्सेज मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी चीज, यहाँ जितनी भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो मैं आपको आपके 200 में से 160 नंबर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, क्योंकि आप कोई भी पेपर ले लीजिए। ठीक है, आप इतना तो मैं आपके लिए प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बाकी जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो पेपर मैंने देखे हैं इसके, और जिन लोगों बताया, जिनका रिजल्ट आया, ठीक है, काफी खुश थे। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको, 160 नंबर का बता रहा हूँ। बाकी आप 40 नंबर तो आप मान के चलिए कि वो लक वाला होता है कि आपने बाय चांस को क्वेश्चन पढ़ा हो और आपको याद रह जाए। ठीक है, तो आप उसको उस तरह से देखिएगा, लेकिन अगर आप 200 में 160 भी सॉलिड नंबर कर पा रहे हैं किसी स्ट्रेटेजी से, तो वो बहुत अच्छी है, तो कोशिश कीजिएगा आप उसी को यूज कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश के अराउंड 45 या 50 के आसपास नंबर का पेपर होता है, तो इसको इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट है ग्रामर का, दूसरा है वोकैबुलरी का। अब यहां पर मैंने जो पेपर देखा, तो वो एक्चुअल में जो लेवल है वो थोड़ा टफ लेवल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत इजी तरीके की आती है कि आप हर कोई बुक पढ़ लें तो काम चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले ग्रामर के लिए, ग्रामर के लिए सिर्फ आप एक बुक पढ़िए और इस बुक को आप इस पूरे पीरियड में कम से कम दो बार रिवाइज कर दीजिए। और इस बुक का नाम है, ए के सिंह की बुक आती है अ मिरर ऑफ कॉमन एयर्स। ग्रामर के लिए सिर्फ आप इस एक बुक को पढ़ेंगे, ठीक है, और वो आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक घंटा बांधेंगे, हर दिन पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ने का यही एक तरीका है। और वो कैब के लिए आप एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स 15 ईयर्स जो भी आता हो, आपको नेट पे उसके नोट्स मिल जाएंगे। बस ये सर्च डालिए, एसएससी प्रीवियस ईयर वो कैब, आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आप उनको पढ़ेंगे, ठीक है, उनके दो रिवीजन करेंगे, जब दो रिवीजन हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, उसके बाद आप किस पे मूव करेंगे, बैंक पीओ प्रीवियस ईयर वो कैब। आप इतना काम कर लेंगे तो आपका ये 45 में से 42 नंबर का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। एसएससी का जो आप पढ़ेंगे उससे आपके ईडियम फ्रेजेस, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और जो आप ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उससे जो आपके वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन, वो पूरा हो जाएगा। जब आप इतना काम करेंगे तो आपके इंग्लिश में 45 में से 42 नंबर आ जाएंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी, जिनको जरूरत नहीं होगी, जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे होंगे, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को इस स्ट्रेटेजी से मैच करें और कंपेयर करें कि कहां पर चीजें डिफर हो रही हैं। ठीक है, हो सकता है उनके सोर्सेज अलग हो सकता है वो दूसरी तरीके से पढ़ रहे हो। मैं यहाँ पर पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट जो होता है डिफरेंट तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आप मैथ की स्ट्रेटेजी से इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश को नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, दोनों का तरीका बहुत अलग है। इंग्लिश, जैसे इंग्लिश हो गया और हिस्ट्री हो गया, और इस टाइप और जो पॉलिटी हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं लगातार पढ़ने पड़ते हैं। आप जिस दिन को छोड़ेंगे, एक सप्ताह भी छोड़ देंगे, तो आप सब भूल जाएंगे, ये फैक्ट है। तो आप इंग्लिश को उस तरह से ही लेके चलेंगे। दूसरी बात, हिंदी, हिंदी का मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि आपके इसके लिए कोई भी एक बेसिक किताब ले लीजिए, जहां पर ग्रामर के थोड़े से आपको पार्ट्स बता रखे हो। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, आपको स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की एमसीक्यू वाली बुक होती है, ठीक है, वो आप किसी भी दुकान से खरीद लीजिए, आपको हर जगह मिल जाएगी, बस आप वही लगाइए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस बार का ऐसा नहीं था जो पहले किसी और पेपर में रिपीट ना हुआ हो। ठीक है, यहाँ नहीं तो किसी और पेपर में आपको इसका रिपीटेड मिल जाएगा। जहां भी हिंदी ऐसा सब्जेक्ट आती है, वही क्वेश्चन स्टैंडर्ड रिपीट होते हैं। 25 में से 22 क्वेश्चन तो आप कर डालेंगे सिर्फ इसी दम पे, ये बात आप स्ट्रेट मान के चलिए। ठीक है, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्या करना है, पार्ट्स के लिए स्पेशल जो सिंपल आपकी नॉर्मल बुक होती है वो खरीदिए, और स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर वाली बुक लीजिए।
इसलिए मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नोट्स आपके पास पड़ेंगे होंगे, आपके पास बहुत सारे होंगे। खासकर एग्जाम्पल ले तो पर्यायवाची का, एक शब्द होता है उसके खूब सारे पर्यायवाची आपको दे दिए जाते हैं, आप याद करते हैं और अंत क्या होता है, आप भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ट्रेंड नहीं होता। हम लोग यार इतना हार्ड डिस्क थोड़ी कंप्यूटर की, हम लोगों को कब चीजें याद होंगी, जब एक वर्ड का दूसरे वर्ड से रिलेशन होगा, वो कहाँ दे रखा होता है एमसीक्यू में। आप सिर्फ इसके लिए हिंदी के लिए एमसीक्यू पढ़ें। तीसरा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के लिए बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएंगे, लेकिन जो उनका पढ़ाने का तरीका है मेरी समझ से बाहर है। वो आपको क्या करते हैं, जैसे भी एमसीक्यू की एक बुक दे देंगे और एक तरह से सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये साल हुआ, ये कब हुआ, ये कब आया, ये कब हुआ, बस हिस्ट्री की तरह पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये आपके यूपीपीसीएस का एक बढ़िया सा चैनल है हमारे यूट्यूब पे, उसमें भी इसी तरह से पढ़ाया गया, और एक इलाहाबाद की ही तैयारी करवाते हैं यूट्यूब पे, उनके चैनल में भी मैंने ऐसे देखा है, तो वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको इस तरह समझ में आया, पढ़ाया जाए। ठीक है, उसको आप रट नहीं सकते, कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें हिस्ट्री विस्ट्री जैसी चीज़ें समझ वाली चीज़ है खाली, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, किस टर्म्स होते हैं, उनको क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। तो आप इस चीज़ को कम से कम मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स की बात करूँ तो कुछ स्टैंडर्ड, बहुत ज़्यादा क्योंकि क्वेश्चन आते भी नहीं है, तो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करीब 100 के आसपास मैं आपको करवा दूंगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर किसी को जिज्ञासा है, काफी वीक है मैथ, ठीक है, तो जो मैं 100 क्वेश्चन आपको करवाऊं स्टैंडर्ड वाले, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है दिक्कत वाकई में, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा कि 10 में से कम आपके 8 क्वेश्चन तो उसी के अंदर से आएंगे। ठीक है, बाकी आप कोई भी सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आईबीपीएस के बहुत सारे चैनल पड़े हैं, आप उनकी कोई भी मैथ्स की वहां पर लोग पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, आप उनके क्वेश्चन वो लगाइए, वो आपके यहां पर आएंगे। मैथ बहुत अच्छी, टफ नहीं आती है, तो अगर जो आईबीपीएस के आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे, बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आजकल आईबीपीएस के पेपर आते हैं उसमें कैट के जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन होते हैं, वो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहां ऐसी आपकी कोई जरूरत नहीं है एडवांस वाली चीज। खासकर जो आईबीपीएस का प्री का पेपर होता है उसकी जो मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है, तो वो यहाँ काम आ जाएगी आपके। दूसरा रीजनिंग, रीजनिंग में भी मैं आपको स्टैंडर्ड एक कुछ क्वेश्चन दूंगा, 100 या 150, बस आपको 19 को पढ़ना है, और प्लस जिसको लगता है कि उसको और कुछ अपना पढ़ाई करने की इच्छा है, तो वो आईबीपीएस में प्री वाला सेक्शन, ठीक है, प्री की तैयारी जो करवाते हैं उस पेपर के जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है वहां से कर लें। हिस्ट्री के लिए मैं बस बताऊं कि सबसे टफ जो सेक्शन है आता है, या कह सकते हैं कि जिसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो हिस्ट्री रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक स्टेप बेसिक वालों के लिए कि लूसेंट की पूरी जितनी हिस्ट्री है उतने नोट्स आपको कवर होने चाहिए। ऐसा समझ लीजिए एक बॉडी है और आपने उसकी हड्डी का ढांचा जो तैयार कर लिया है, मतलब मेन मेन बेसिक पॉइंट कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे आप, लूसेंट से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आता है वो आता है यूपीपीसीएस के टाइप का, तो यूपीपीसी के ये घटना चक्र की बुक आती है एमसीक्यू के लिए, आप उसको सिर्फ लगा लीजिए। जब ये आप दो काम कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लग सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार का जो आरओ के क्वेश्चन आए हैं सबने देखे हैं, ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती वहां पर तो लोग शायद उसको अटेम्प्ट भी ना करते, सीधी सी बात है। ये हो सकता है उनका बाइलक सही हो गया और वो बोल रहा हूँ कि हमको इतना ज्ञान था, लेकिन फैक्ट यही है अगर वहां पर निगेटिव मार्किंग होती तो उसको छूते भी नहीं। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन तो आपने देखे जिसमें सबको नंबर भी मिल गए, तो आपको क्या करना है, अभी लूसेंट पढ़ना है, फिर यूपीपीसी का घटना चक्र पढ़ना है, ये दो काम आप करिए कंटिन्यूअसली। अब यूपी की जीके की बात करें तो यूपी की जीके किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे ढूंढ पाना है आसान तो है, लेकिन बुक्स भी आती हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यूपी की जितनी जीके हैं, ठीक है, ये तो स्टैटिक वाली, वो मैं आपको अपने पूरे चैनल पे दे दूंगा, छोटी छोटी वीडियो उसमें आप उनको पढ़िएगा, और मैं जो अपनी वीडियोस बनाऊंगा इस तरह से बनाऊंगा कि आप उस पर रिविजन भी कर सकें, मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर के लिए समय दूंगा और फिर उसके बाद आंसर भी दूंगा। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका रहेगा मेरे जो यूट्यूब के वीडियोस हैं उनको यूज करने का, जो पैटर्न पे मैं बताना चाह रहा हूँ उनमें यही रहेगा कि हेडफोन लगा लीजिए आप, गाने के जो सुनते रहिए, ठीक है, बद बीच में क्वेश्चन सुनिए, आंसर दीजिए और फिर आंसर चेक कीजिए कि सही हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना, इस तरह से आपको चलना है।
बाकी आपको जो कोई पसंद आता हो चैनल, आप उस पर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको अपना समय जहां पर लगे। लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा वो सारे ऑप्टिमाइज तरीके, ऑप्टिमाइज मतलब इसमें आपका समय नहीं खराब होना है, ठीक है। जितनी स्ट्रेटेजी यहाँ बता रहा हूँ आप उनको उन्हीं सोर्सेस से पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि ये जो चीजें हैं बहुत आराम से हो जा रही हैं और कॉन्फिडेंस तरीके से हो रही हैं। ज्योग्राफी का एक पोर्शन ऐसा है जो आप मेरे ख्याल से UPSC की घटना चक्र जो है उसी से लें, उसमें काफी कुछ दे रखा है, ठीक है। आप वो पढ़ते रहिए, प्लस जो बेसिक है कुछ प्लेसेस के नाम है इंपॉर्टेंट जो वर्ड में होती हैं वो मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन UPSC की घटना चक्र में जो काफी इंफॉर्मेशन भरी हुई है खासकर इंडिया के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ घटना चक्र पढ़नी है और लूसेंट की जितनी पॉलिटी है बस आप इतना ही पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं पढ़िए। ये बात मान के चलिए अगर पेपर टफ आएगा तो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा बाकियों के लिए भी आएगा, ठीक है। और इतना बहुत होता है। इन्वायरमेंट, ये सेक्शन मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो ये आरओ का पेपर हुआ इसके बाद, इसमें काफी स्टैंडर्ड डेफिनेशन रहती हैं और स्टैंडर्ड टॉपिक्स रहते हैं आपको, ये आपको पढ़ने हैं। शंकर IAS के जो नोट्स आते हैं सिविल सर्विसेज वाले, उसमें आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ते चले जाइए, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो 11th और 12th में इन्वायरमेंट की जो बुक होती है आप वहां से भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपका ये काम सफिशियंट हो जाएगा। इसके अलावा एक डेमोग्राफी पे, सिर्फ इसकी बात नहीं है, डेमोग्राफी हो गया, सेंसेस हो गया, ठीक है, ये पैटर्न जो होता है पॉपुलेशन रिलेटेड, माइग्रेशन हो गया, ठीक है। ये आजकल ट्रेंड बढ़ गया है कि हर पेपर में, ठीक है, पहले ये सिर्फ जो आपका होता है सिविल सर्विसेज के पेपर्स में आते थे, अब ये ट्रेंड हर प्रकार के पेपर में एक या दो क्वेश्चन सरप्राइज के लिए डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको टारगेट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ लीजिए नोट्स खाली, अब नॉर्मल सर्च करिए नेट पे, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, जो उसमें सबसे छोटा हो आप उसको उठाइए, ठीक है। उसमें खासकर आपसे फैक्टर पूछे जाते हैं, ठीक है, माइग्रेशन के फैक्टर क्या है, अर्बनाइजेशन के फैक्टर क्या है, ठीक है, रूरल इकोनॉमी के फैक्टर क्या है, ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो आप इनको वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतनी थ्योरी, इतने सोर्सेस मैंने आपको बता दिया। अब सबसे मेन आता है करंट अफेयर्स, जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, ठीक है। तो इसमें यूपी का एक करंट अफेयर्स आता है, दूसरा इंडिया का करंट अफेयर्स आता है। सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स पढ़ना कितना है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा जिस दिन आपका नोटिफिकेशन निकले, पेपर की डेट आपको पता होगी, उस डेट जिस दिन पेपर हो उसके जस्ट 15 डेज पहले, आप इतना मान लीजिए 15 डेज पहले या 10 डेज पहले की जो डेट हो आप उसको ले लीजिए, और उससे जस्ट बैक में चलेंगे कितना, 3 महीने। 3 महीने का आप कम से कम स्टैंडर्ड बहुत डीप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ये बात आप लेके चलिए, ठीक है। और उसके बाद जब आपका 3 3 मंथ कंप्लीट हो जाए, बट लास्ट आप पूरे इस साल का जो 9 महीने बचे हैं उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पढ़ेंगे कहाँ से, ठीक है, तो पढ़ने के लिए आप नेट पे या यूट्यूब पे ही देख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे आपको दो प्रकार की वीडियोस मिल जाएंगी GK से रिलेटेड, एक रहती है डेली वाली जो आज लोग जितने बनाते, दूसरी लोग वो बनाते हैं मंथली या वीकली वाली, ठीक है। तो आप जो मैं 3 मंथ का बोला हूँ, 3 मंथ तक वो डेली वाली वीडियोस के नोट्स बनाइए, ठीक है। और उससे बैक वाली की बात करें तो उसके लिए सिर्फ मंथली वाले GK वाले वीडियो देखिए। ये काम आप करके नोट्स कंप्लीट कर बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे, ठीक, और यूट्यूब छोड़ के आप सिर्फ इन्हीं नोट्स का रिविजन करेंगे। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि इतना काम आपको, कितना काम नोटिफिकेशन आने से पहले कर लेना है। इंग्लिश आपकी नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, हिंदी कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री और यूपी की GK, ठीक है, करंट अफेयर्स छोड़ के एक तरह से देखा जाए तो बाकी सब नोटिफिकेशन आने से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद टाइम इस पेपर में बहुत कम दिया जाता है, ठीक है। और आप यही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि पूछेंगे कह लो सर क्वेश्चन ये ARO की जॉब्स कब आएंगी, तो जो अभी करंट सिचुएशन है, ठीक है, बहुत अच्छी सिचुएशन तो है नहीं, आपको पता ही है, तो 14 तारीख तक तो आपको आइडिया लगेगा,
ठीक है। और ये मान के चलिए कि अगर 1 अप्रैल तक अगर आरओ का रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, तो ये आपका जुलाई के बाद ही जाएगा, ठीक है, तो आपको 3 महीने के आसपास मिल जाएगा। तो ये आप अप्रैल में ही देख लीजिए कि अप्रैल में अगर आरओ का रिजल्ट आया कि नहीं आया। अगर आरओ का जो रिजल्ट है अप्रैल में नहीं आता है तो प्रोसेस लंबा जाएगा, आप इसकी इसी तरह तैयारी कीजिए। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। सोर्सेज आप इतने रखिएगा, मैं बहुत चीजें कम बताता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप इसको इसी तरह पढ़िए, कम चीजें पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए। दूसरी चीज क्या है कि छोड़ना है कि नहीं, ठीक, आपको ऐसा नहीं कि आपको चीजें आपने इंग्लिश उठाई 6-7 दिन लगातार पढ़ी उसके बाद बंद कर दिया, फिर आपने उसके बाद नेक्स्ट दिन हिंदी पढ़ी 6-7 दिन पढ़ी फिर बंद कर दिया, हिस्ट्री उठा ली फिर 6-7 दिन पढ़ी फिर बंद कर दिए, ये गलती नहीं करिए, ठीक है। ये अपने दिन को कुछ हिस्सों में बांटिए और कम से कम 1 दिन में 4 सब्जेक्ट तो उठा के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हैं ना कितने हैं, यहाँ करीब 12 सब्जेक्ट हैं, तो आप 4 सब्जेक्ट डेली पढ़िए, ठीक है। और जब 4 सब्जेक्ट आप डेली पढ़ेंगे तो नेक्स्ट डे खाली एक सब्जेक्ट दो इनमें से 3 सब्जेक्ट बदल दीजिए, एक कॉमन रखिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए हर सब्जेक्ट 1 दिन के बाद आपके पास दोबारा घूम के आए। जब आप ये काम करेंगे तभी आपको मिनिमम समय में मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। इस डिटेल्ड एनालिसिस को आप कहीं नोट भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बोला है आप इतना काम करते रहिए। और सोचता हूं कि जब तक मेरा कंप्यूटर नहीं सही होता है मैं उतने अच्छे वीडियो शायद आपके लिए ना बना पाऊं, और आशा करता हूं आपको ये चीज को इग्नोर करेंगे, आप कंटेंट देखिए, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी टाइपिंग तो मैंडेटरी है, उसके बारे में बताना ना पड़े, आप उसको करते रहिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट वाले में भी 80% लोगों के 40+ नंबर थे टाइपिंग में, ठीक है, ये फैक्ट है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।